हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जी आई जी ओ सिम चैनल में। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम रेडमी 9 प्राइम वर्सेस पोको M2 के बीच में फ्री फायर का डिटेल्ड कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पे गाइस हम टच रिस्पांस, स्मूथनेस, ब्राइटनेस, इन सभी चीज़ों का देखेंगे और देखेंगे कौन ज़्यादा FPS भी प्रोवाइड करता है। पोको M2 में वैसे 6GB रैम देखने को मिलता है, तो क्या ये पोको M2 अच्छा परफॉर्म करेगा रेडमी 9 प्राइम के मुकाबले? तो गाइस यहाँ पे पूरी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। वैसे हमने थोड़े दिन पहले मतलब स्पीड टेस्ट भी कर दिया है, तो वो वीडियो अभी आप देख सकते हैं। मतलब 7-8 महीने यूज़ करने के बाद टेस्ट किए हैं, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि मतलब लॉन्ग टर्म के लिए ये फ़ोन सही है या नहीं। तो गाइस ये वीडियो देखते रहिए लास्ट तक। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, जरूर से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस ये रहे हमारे दोनों फ़ोन्स, यहाँ पे Redmi 9 Prime और Poco M2। गाइस दोनों की लुक्स काफ़ी ब्यूटीफुल लगती है मुझे। यहाँ पे फ्रंट में अगर पंच होल दिया करते तो और भी ज़्यादा कमाल की होती। और गाइस सबसे पहले सेटिंग में चलकर मैं आपको ब्राइटनेस को कंपेयर कर दूँ, तो यहाँ पे फुल ब्राइटनेस दोनों कर देते हैं। और गाइस यहाँ पे ब्राइटनेस में मुझे सच कहूँ तो Poco M2 मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। आई डोंट नो वाई, बट मुझे Poco M2 थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, बट काफ़ी क्लोज है, कोई ज़्यादा मतलब इशू नहीं है। दोनों ही आउटडोर में आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। गाइस दोस्त यहाँ से एक साथ फ्री फायर को ओपन करते हैं और देख लेते हैं कौन पहले ओपन करता है। और वैसे भी हमने स्पीड टेस्ट कर दिया, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो, तो उससे आपको डिटेल में पता चल जाएगी। और यहाँ पे कैसे अभी देख सकते हैं कि पोको M2 में 6GB रैम देखने को मिलता है, इसकी वजह से ये थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस कर रहा है गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब विनर होगा तो पोको M2 ही गाइस। अब ये हो जाने दीजिए दोस्त। और फाइनली गाइस यहाँ पे हमारा पोको M2 विनर हो चुका है। तो गाइस सिंपली चलते हैं हम मतलब फ्री फायर में अंदर घुसते हैं गाइस। यहाँ से ये पता नहीं क्या डाउनलोड होने लगता है ऑटोमेटिक, ये बहुत ही घटिया लगता है गाइस मुझे। तो इसको स्टॉप करते हैं वरना हमारा जो डाटा है वो पता नहीं कब ख़त्म हो जाएगा गाइस। तो यहाँ से इसको स्टॉप कर दिया और सिंपली गाइस मैं आपको सेटिंग में चलकर दिखा दूँगा, इसमें भी करना पड़ेगा गाइस ये। तो इसको ऑफ़ कर देते हैं सिंपली। और गाइस यहाँ पे फाइनली हो चुका है। अब दोस्त यहाँ पे चलते हैं सेटिंग में, और सेटिंग में चलकर मैं आपको ग्राफिक दिखाता हूँ दोनों ही फ़ोन्स की। तो गाइस यहाँ पे देखेंगे ग्राफिक, ये पोको M2 है शायद, नहीं पहचान में आ रहा है गाइस पीछे से। अब दोस्त यहाँ पे चलते हैं इस फ़ोन में भी और यहाँ पे भी, मतलब दोनों ही फ़ोन सेम प्रोसेसर के साथ में आते हैं, तो दोनों ही मतलब सेम सेटिंग भी सपोर्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती है। अब सिंपली गाइस यहाँ से स्टार्ट कर दिया हम फ्री फायर को। चलिए गाइस यहाँ पे अब डिटेल में कंपेयर करते हैं, देखते हैं मैच के अंदर हमें क्या दिक्कतें देखने को मिलती है और किस में FPS अच्छा देखने को मिलेगा गाइस। तो दोस्त ये देख सकते हैं हमारा फ़ोन, और यहाँ पे गाइस देख सकते हैं पोको M2 है जैसे कि मैंने कहा। और गाइस यहाँ पे टच रिस्पांस की बात करें तो गाइस टच रिस्पांस अच्छा है, अपने प्राइस के हिसाब से मतलब अच्छा परफॉर्म करता है। अगर आप हाई एंड फ़ोन यूज़ करेंगे जैसे कि रियलमी 6 हो गया, रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स, ऐसा कुछ मतलब फ़ोन यूज़ करेंगे जो 15,000 के आसपास में मिलते हैं, तो गाइस उनमें आपको कुछ ज़्यादा ही स्मूथनेस फील होगा गाइस, इतना तो मैं कहूँगा। और यहाँ पे गाइस बात करें तो दोनों ही सेम परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब काफ़ी क्लोज है। बट डेफिनेटली गाइस एक चीज़ मैंने नोटिस की कि रेडमी 9 प्राइम में थोड़ी जर्किनेस ज़्यादा है अगर पोको M2 से कंपेयर करें तो। पोको M2 में मुझे थोड़ा ज़्यादा स्मूथ लगा अगर इस रेडमी 9 प्राइम से कंपेयर करें तो गाइस, तो इतना तो मैं कह सकता हूँ। बट गाइस अगर आप डेफिनेटली अगर हाई एंड फ़ोन यूज़ करेंगे तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि क्या मतलब ज़्यादा पैसे वाले फ़ोन में अंतर देखने को मिलता है और कम पैसे वाले में। ऐसा नहीं कि गाइस ज़्यादा पैसा पे करने वाले भी अच्छा परफॉर्म करेंगे और कम में भी अच्छा, ऐसा नहीं होता है गाइस। और यहाँ पे गाइस FPS की बात कर ले तो रेडमी 9 प्राइम में 40 के ऊपर देखने को मिलता है, मतलब 50 के नीचे, जबकि यहाँ पे पोको M2 में आपको 50 के ऊपर भी देखने को मिल जाते हैं गाइस। तो यहाँ पे पोको M2 में 6GB रैम होने की वजह से गाइस कुछ ना कुछ मतलब यहाँ पे फ़ायदे आपको देखने को मिलते हैं। वैसे पोको M2 भी एक नया लॉन्च हो चुका है, पोको M2 रीलोडेड नाम करके, जिसमें आपको 4GB रैम वाला वेरिएंट मतलब बेसिकली आ चुका है। तो गाइस वो भी आप चूज़ कर सकते हैं, बट रेडमी 9 प्राइम को चूज़ करेंगे तो आपको बॉक्स में कवर मिलेगा। और पोको M2 रीलोडेड जो नया लॉन्च हुआ सेम है गाइस, बस 4GB रैम हो चुका है, तो वो आप चूज़ करेंगे तो बॉक्स में आपको नहीं देखने को मिलेगा बैक कवर। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से रेडमी 9 प्राइम 9,500 में बेस्ट है गाइस, और पोको M2 को आप 10,000 में चूज़ कर सकते हैं। 10,000 में एक माइक्रोमैक्स का भी फ़ोन है, वो भी काफ़ी सही है। अब दोस्त यहाँ पे टच रिस्पांस की बात करें तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं टच रिस्पांस वैसे अच्छा है, और सेंसिटिविटी भी मुझे कम नहीं लग रही है गाइस, अपने प्राइस के हिसाब से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे गाइस मैंने रियलमी नार्जो 20 का टेस्ट किया था, तो वहाँ पे मुझे सेंसिटिविटी की कमी लग
लगी थी गाइस, बट यहाँ पे वो बात नहीं है। यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है और यहाँ पे कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। सेम गाइस इस फ़ोन में भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। और जैसा कि मैंने कहा कि थोड़ा सा मुझे ज़्यादा स्मूथ फील हो रहा है पोको M2 6GB रैम का गाइस, कुछ ना कुछ तो मुझे लग रहा है कि फ़ायदा है ऑफकोर्स, वरना दोनों फ़ोन सेम है, मतलब G80 के साथ में आते हैं और सभी चीज़ें मतलब इक्वल है, सभी चीज़ें सेम है, बस यही डिफरेंस देखने में मिलता है कि प्रोसेसर बोलूँगा इस यहाँ पर रैम में 6GB रैम मिल जाता है पोको M2 में। ओवरऑल गाइस दोनों ही फ़ोन्स अच्छे हैं अपने अपने प्राइस में, और 9.5 में तो मैं कहूँगा कि रेडमी 9 प्राइम से आपको बेस्ट वैल्यू वाला फ़ोन देखने को नहीं मिलेगा, और पोको M2 को 10,000 में मैं बेस्ट करता हूँ, बिकॉज 6GB रैम, Full HD+ डिस्प्ले और भी गाइस डिज़ाइन भी काफ़ी मस्त लगता है। तो यहाँ पे क्लियरली मैं कहना चाहूँगा कि दोनों ही फ़ोन्स अच्छे हैं अपने अपने प्राइस में, आपको मतलब इनको अलग अलग चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बताया 9.5 में रेडमी 9 प्राइम, 10 में पोको M2, तो यहाँ पे यही मतलब देखने को मिलता है। और FPS भी मुझे थोड़ा बेहतर लगा पोको M2 का, और ओवरऑल कहें तो गाइस दोनों ही फ़ोन्स अच्छे हैं। बाकी आपको स्पीड टेस्ट भी देख सकते हैं, उस दिन का हमने किया था तो वो देख लेंगे, तो आपको गाइस पता चलेगा कि मतलब इतने दिन यूज़ करने के बाद क्या मतलब दिक्कत देखने को मिलती है। और दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए मैं कहूँगा बेस्ट है ये फ़ोन्स, आप आराम से मतलब 3-4 साल तो यूज़ कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, और बैटरी भी काफ़ी सही है गाइस यहाँ पे 8%, मतलब अगर आप 1 घंटा फ्री फायर प्ले करें तो आपका बैटरी 15% के अराउंड ही डिक्रीज़ होती है, और गाइस ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। यहाँ पे रियलमी नार्जो 20 में मैंने टेस्ट किया था, 6000 mAh होने के बावजूद भी गाइस वहाँ पे 23% के अराउंड डिक्रीज़ हो चुका था, तो ये फ़ोन काफ़ी सही है गाइस, आप इसको चूज़ कर सकते हैं।